चला जल्दी आ पूरी ताकत से आ और जोर से और जोर से और जोर से लगा पूरी ताकत और जोर से लगा पूरी ताकत और जोर से जोर से जकड़ के लाओ उसको, तेजी से जकड़ लो उसको और तेजी जकड़ो उसको, जकड़ लो उसको और तेजी जकड़ो। चला चला जोर से और जोर से और जोर से पूरी ताकत लगा के। नालायक छोटे छोटे बच्चों को परेशान कर रहे थे, हाँ लगा पूरी ताकत, पूरी ताकत से हाजिर होने, अभी टुकड़े कर दूंगा तेरे पूरे। जल्दी लगा पूरी ताकत, जकड़ो उसको और तेजी जकड़ो। चल हाँ कहाँ मिलाते को बच्चा हो, हाँ कौन छोड़ते को बच्चे के आएंगे उसको मारने को, आ दूते छोटे बच्चे को, हाँ जोर से पूरी ताकत लगा के हाजिर हो, बचने वाला नहीं, पूरा खत्म कर दूंगा तुझे, सही सही बता चल जल्दी। और जोर से, हाँ जोर से और जोर से पूरी ताकत से हाजिर हो। और तेजी से जकड़ो उसको, जकड़ लो, छोटे छोटे बच्चों को परेशान कर रहा हूं उन्हें, और कहां से आ मैं, जकड़ो उसको तेजी से, चल बोल। कितने दिन से बच्चे कहां पे, कितने वक्त से, जोर से बोल सबको सुने आना, लगा पूरी ताकत, लगा और जोर से हाजिर हो, जकड़ो उसको तेजी, जकड़ो अंदर से आग लगाओ उसके, जकड़ के तेजी से जकड़ लो उसको, जकड़ो उसको नाला को और तेजी जकड़ो, और जोर से पूरी ताकत से जल्दी। चलो इसको आग लगाओ, इसके अंदर से जलाओ, इसको तेजी जलाओ, कौन तो मुसलमान जी ने कभी से, जोर से बोल नारा और जोर से और जोर से लगा पूरी ताकत, इतने छोटे छोटे बच्चों को परेशान कर रहे, बात कर रहा चल रहा तुम्हारे कमीनो, हाँ कहां से आया तू, उसको कहां से पकड़ा, कहां से पकड़ा पूछा मैं तुझे, जल्दी जवाब, जकड़ो उसको तेजी, जकड़ो उसको, कहां से पकड़ा बच्चे को, इतने छोटे छोटे बच्चों को, हाँ तेरी उसकी कोई दुश्मनी थी,
तेरे बच्चे को मारा उन्होंने? क्या करा उसने ऐसा? शराब लगा रहा हूँ, हाथ लगा तो तेरे अंदर जकड़ लू, तेजी से लगू हाथ। बिस्मिल्लाह, और जल्दी मैं पूरा खत्म कर दूंगा। और भाग नहीं सकता तू मेरे हुक्म के बगैर। बाप का राज चल रहा हुआ था, छोटे छोटे बच्चों को परेशान कर रहा हूँ मैं आगे। जकड़ो उसको, आओ तेजी जकड़ो। चलो उठ जल्दी, मैं पूरा खत्म कर दूंगा। और क्या कर रहा था बच्चे को तू? बेअदब, अदब के दायरे में आ, जल्दी अदब से बैठ। देखा कितनी ताकत है अल्लाह के नाम की, तो देखा नहीं देखा? चल अब बोल, कौन भेजे थे कोई बच्चे के आंग में? खुद ब खुद तू लगा क्या? कैमरा नजीक लाओ इस मुख तरफ। खुद ब खुद उसको लगा या तेरे को कोई उसके इसमें भेजे? बोल, उसमें इतनी खैर है तो पूरा भस्म कर दूंगा मैं, जलाल में मतला मुझे। चला बोल, देखा ना कैसी मार पड़ती जलाल आया मेरे को तो? देखा नहीं देखा कैसी मार पड़ी? चल बोल शब्बाश, सब सही से बोल दे, फिर तेरे को आजाद कर दूंगा मैं। बोल, बच्चे को तो खुद ब खुद लगा या कोई भेजे थे बच्चे के आंग में? भेजे थे। अल्लाह अकबर, इतने छोटे बच्चे के आंग में भेजे रहे? कौन भेजा वो? आदमी ने भेजा था। आदमी ने भेजा था? क्या नाम था उसका? कौन भेजा वो? महाराज। महाराज ने भेजा? तुझे खामा खा फंसा दिया ना महाराज ने इसके आंग में ला के? कहीं में मिला खिलाया था बच्चे को ये? हाँ बोल, सब सही सही बोलेगा तो मेरे दरबार से तू बच के जा सकता। ना तो देखा ना तूने यहाँ कितनी ताकत है अल्लाह कलाम की तो? चल बता, कौन महाराज था? कौन से गांव में रहता हो महाराज? हाँ बोल। हैदराबाद। हैदराबाद? हैदराबाद में कहाँ रहता हो महाराज? गली में। कौन सी गली है वो? नहीं मालूम। अच्छा, देखो शमशान से भेजा, खबरस्तान से भेजा उन्हें? सही बोल, खबरस्तान से भेजा। खबरस्तान? कितने पैसे लिया उन्होंने उससे इलाज वाले, वो जिसने दिया उसको तो? नहीं मालूम। अच्छा, वो जिसने लाया उसका क्या नाम था? कौन था वो? मुसलमान था, हिंदू था? जिसने लाके इसके पेट में डाला थे को तो? हिंदू था। क्या नाम था उसका लाके डालने वाले का? महाराज। क्या दुश्मन थी बच्चे की उसकी? इतने छोटे बच्चे ने क्या बिगाड़ा था? किसको किसको मारने आता तू इसके घर में? और क्या क्या कर रहा था तू ड्रामे में? उसको बच्चे को मार देने वाला था? हाँ। कब मारने वाला था? पूनम को। पूनम को? आने वाली क्या गए वाली? आने वाली। आने वाली पूनम को मार दे रहा था? हाँ। अल्लाह अकबर, कैसा मारने वाला था? फांसी पे चढ़ा के। फांसी देखे? ऐसा तेको बोला था उन्होंने जादूगर ने? और उसके माँ बाप को क्या करने वाला था तू? उसके माँ बाप को भी फांसी दे मारने वाला था। अच्छा, उनको भी फांसी दे के मार देने वाला था? हाँ। उनके आंग में जाके खुद ब खुद फंदा डाल के लगा के मारने वाला था? हाँ। क्या सुलूक करना रे तुम्हारे साथ, छोटे छोटे बच्चों को नहीं बख्श रहे। क्या दुश्मनी थी रे, ऐसी दुश्मनी क्या थी वो? बोल बोल। ये बच्चा हाँ खबरस्तान आया था। अच्छा, खबरस्तान में आया था? हाँ। क्या कर रहा था उन्हें खबरस्तान में जाके? खबरस्तान में क्या? नीचे गिर रहा था। नीचे गिर गया था बच्चा? हाँ। तो क्यों डाला फिर उन्होंने इसके अंदर, क्यों डाला? झाड़ा उखाड़ रहा था। झाड़ा उखाड़ रहा था? हाँ। कब गया था इन्हें खबरस्तान को झाड़ा उखाड़ने का था? गली में मैया थी तो चले गए। अच्छा, तो झाड़ा उखाड़ रहा था तो फिर तू क्या करा उसको? वहाँ देखा तूने, वहाँ से पकड़ा उसको? महाराज ने डाला। अच्छा, वो महाराज ने उसके बच्चे के अंदर डाल दिया? हाँ। तो बता क्यों डाला उन्हें, दुश्मनी बोल मुझे, वजह बोल। इतने छोटे बच्चे ने क्या बिगाड़ा किसका? ये बच्चा आता था खबरस्तान में बोल के? अच्छा, कितने बार गया था इन्हें खबरस्तान में? गली में मैं तेरे तो चल जाते गली के बच्चे सब। वो तो अच्छी बात है खबरस्तान को जाना, मगर कोई तो भी जादू टोना करके छोड़े आला है, लगे आला नहीं है। अरे पिशाच छोड़े आला है। और एक खून भी पी रहा था तू उसका बच्चे का? हाँ। कहाँ से दांत गड़ा के पी रहा था बता? वहाँ से दांत गड़ा के खून पी रहा था बच्चे का? गर्दन से। तुम आप पहले तो बोला ना उन्होंने खून पीता दांत गड़ा के। क्या हो रहा था? गर्दन कब दुख रही थी उसकी? जोर से बोलो। अंगार हो रही बोड़ा था।
अच्छा हाँ, कब की बात है? हफ्ते के दिन, हफ्ते के दिन पूनम थी क्या? हाँ पूनम थी क्या? हफ्ते के दिन बहुत परेशान हो गया। घर पे क्या हो रहा था उसको? और यहाँ पे दुख रहा था, बुखार बहुत आ रही थी, बुखार बहुत आई आई और बाद में फिर ना बुखार जिस दिन आई ना फिर उस तीन दिन के बाद दवा खाने पूरा कोर्स होगा फिर फर्स्ट दिन चमक। जकड़ो उसको और तेजी जकड़ के रखो उसको बेअदब। हाँ बोलता मैं तो सोच रहा हूँ तेरे को बाटल में डाल के अब जमीन में गाड़ देता हूँ, उच्चे छोटे छोटे बच्चों को नहीं बाका चले रे। हाँ मैं नहीं रहता था तो क्या करता था? तू मार देता था उसको। किसकी हुकुमा था, किसके मनमानिया चल रहे? काटू तेरी जबान खींचने लगू बाहर, देखा कितनी ताकत है यहाँ तो अल्लाह कलाम की। मेरे को दुश्मनी बता जल्दी, हो जादूगर की इसकी क्या थी दुश्मनी, क्या मसला था, क्यों डाले थे को इतने छोटे बच्चे के पेट में डाल देते? कई में मिला के खिलाए थे बता, कई में मिला के खिलाए थे? सही से बोल, एक बात भी अगर झूठ बोला तो तेरी जबान खींच के बाहर टुकड़ा करा दूंगा पूरे। खाने में मिला के खिलाए? कौन सा खाना था वो? बिरयानी। तेरे बीच में कोई बात मत करो, रहने तो बाहर जाओ उठ के। हाँ कई में बिरयानी में, अच्छा बिरयानी में खिलाए, कौन से दिन खिलाए बिरयानी में? पूनम के दिन। पूनम के दिन कौन सी पूनम थी वो? गए वाली। गए वाली पूनम को किसके यहाँ खाया बच्चे ने बिरयानी? किसके घर पे? मदरसे में पढ़ने को था उधर हमारे अम्मी की दराश्ती को, तो बच्चे को मदरसे में खिलाए। और वो महाराज मदरसे तक पहुंचा कैसा खिलाने को? हाँ सारे मदरसे के बच्चों को खिलाया उन्होंने? हाँ फिर अकेले को खिलाया, खाली अकेले बच्चे को खिलाया मदरसे को? कहा था उन्होंने बिरयानी खिलाए थे, बोलते बिरयानी मिला खिलाया हो ये छोड़े। सही बताओ महाराज ने क्यों डाला, क्या मकसद था महाराज का? सही बोल। बच्चा कब्रिस्तान में आता था, कब्रिस्तान के झाड़ू काटता था, हाँ बातें करता था, झगड़े करता था बच्चा। हाँ तो करती महाराज कब्रिस्तान में क्या करता था बच्चा? झगड़े करता था, बात करता था, झाड़ू उखाड़ता था। अच्छा जो मैं अच्छा काम कर रहा था ना, तू लगा क्यों कमीने, तेको ला के छोड़े उसके पेट में, वो महाराज ने क्यों छोड़ा और कितने बच्चों को खिलाया वो बोल, जबान खींच लूंगा तेरी भी बाहर। दो बच्चे को खिलाया। दो बच्चों को खिलाया? हाँ। दूसरा कौन है वो? वो एक बम्बई को रहने वाला है। बम्बई को रहने वाला है वो, क्या नाम है वो बच्चे का? सुफियान। कौन से मदरसे में पढ़ता वो? अष्टी के मदरसे में। सुफियान के अम्मा अब्बा को भी इत्तला दो फोन करके, लेके आओ बोलना उसको तुरंत यहाँ। और वो महाराज ने खिलाया क्यों, वजह बोल मुझे वजह। दुश्मनी थी, कई की दुश्मनी? ये कब्रिस्तान में आता था, कब्रिस्तान में आता था बोल के खिला दिया खाली। क्या करता था इसने वहाँ पे, उसको अमल करते हुए देखा था कुछ? क्या देखा था बच्चे ने उसको वहाँ पे? कलमा पढ़ता था बच्चा, कलमा पढ़ता था वहाँ जाके। दिमागी उबर करता था, मस्ती करता था, झाड़ू करता था। तो फिर महाराज को इससे क्या तकलीफ थी ऐसी? बोला था उन्होंने हाँ। दो बच्चों को खिलाऊंगा। किसको बोला था? ये मेरे को बोला था, ये बच्चे को खिलाएगा बोल के। हाँ। तेरे को बोल के छोड़ा उसके अंग में। हाँ। और क्या बोला तेरे को? मार दे बोला कि ये बच्चे के माँ बाप को, वो दूसरे बम्बई के बच्चे के माँ बाप को मार दे, खत्म कर दो, उनका निकाल के बिका के पैसे ला के दे दो। जोर से बोल, क्या बोला था? कि ना निकाल के ला लो और बच्चे के माँ बाप को मार दे। अच्छा बच्चे की किडनियाँ निकालने के थे उसको, ना लायक हो तुम्हारे बाप का राज चल रहा रे। हाँ कब ली जाने वाला था तू इसको बच्चे को महाराज के पास में? पूनम के दिन लेके चले जाने वाला था तू उसको, क्या करने वाला था? सही सही बोल, महाराज के पास ले जा रहा था उसके अंग में आके? इसके माँ बाप को लेके जाने वाला था ना, और उसको लेके जाके मार के डाल देने वाला था और बॉडी में फेंक देने वाला था। और बॉडी में फेंकने वाला था। अब आया तेरा मकसद सामने, ना लायक, अल्लाह अकबर, पकड़ो रे कैमरा घुमाओ। देखो बच्चों को भेज रहे कर रहे तो जिम्मेदारियां के साथ करना, वो क्या है उनके मौलानाओं को बताओ।
बॉम्बे वाले बच्चे को भी खिला दिए, इसको भी खिलाए, उन्हें बुला के ले रहा था, बोलते हो महाराज पूनम के दिन इसको और इसके फिर किडनैप गुर्दे निकाल लेके उसको बॉडी में डाल देना था, वो अंदर का शैतान बोल रहा उसके, और उसके बाद तुम्हारे भी आंगों में उसके जरिए छोड़ के तुम्हारे को भी खींच के लेने आता। ये क्या आलम चल रहा है ये देखो, बच्चों को घर से बाहर धुआ पड़े बगैर नहीं भेजना, अब उसके आंग में आ रहा है पिशाच, अभी पकड़ा मैंने उसको, तो उन्हें नई दास्तान सुना रहा, वो सुन के मैं खुद कन्फ्यूज हो गया, तो महाराज ने उसको खिलाया बार बार, उन्हें एक ही बात बोल रहा, बच्चा कब्रस्तान में आता था घास उखाड़ता था वो करता था, चलो ठीक है महाराज ने डाला क्यों, तो वो बोल रहा महाराज ने इस वक्त डाला, बोले बिरयानी मिला के खिलाया, पूनम के दिन ये बच्चों के आंग में घुस के उन्हें मोहाली जाने वाला था बच्चों को महाराज के पास, और उन्हें वो बच्चों के किडने लेके उनको बॉडी में डालने वाला था, कितनी खतरनाक बात बनाई, और उसके पीछे उसके माँ बाप को भी बुलाओ बोल रहा था उन्हें, और क्या मकसद था रे जल्दी बोल, जकड़ो उसको तेजी जकड़ के रखो उसको, जाने मत दो उसको, ना रहा है आपको तारो उसमें जंजीर आती जिसे, बता अभी तक कितने बच्चों को मारे, जाने का हुक्म नहीं दिया तुझे मई मारे बच्चों को, सही बोल, दो बच्चों को मारे, क्या नाम थे उनके, सुफियान अरफात, कहाँ पे मारे, कैसे मारे उनको, फांसी दी उनको, खुद को खुद लिए उनको, तूने दिया उनके आंग में घुस के, तूने दिया, कब मारा उनको, क्या टाइम पे मारा, पूनम के दिन 12 बजे, कितना टाइम हो रहा उनको मार के, साईं बोल, एक साल होगा, क्या नाम है दोनों बच्चों के, सुफियान और अरफा, कौन से गाँव के थे वो बच्चे, कहाँ से मारे उनको, उनके घर पे मारे के जंगल में, कहाँ मारे, सुफियान अरफा कौन थे, ये बच्चे कब डाले थे मदरसे में, 6 महीने हो रहे, छोटे बहन, एक साल पहले दो बच्चों को मारे बोलते, रमजान के बाद 3-4 महीने हो रहे वहाँ पे, सुफियान और अरफात कहाँ रहते थे दोनों लड़के, बम्बई को रहते थे, कहाँ पढ़ने को थे वो, हाँ अरे गाँव में आए थे वो, कौन मारा उनको, वजह क्यों मारा तुमने, क्या दुश्मनी थी, क्या मरण नजीक से क्यों मारा, दुश्मनी क्या थी, खबरस्तान में आते थे बोल के, खबरस्तान में आना क्यों नहीं बोल रहा, चाह रहा था उन्हें वहां लोगों को, क्या कर रहा था उन्हें वहां बैठ के, दुश्मनी करता, क्या करता था, क्यों वजह क्या थी, जकड़ो जरा उसको तेजी से, जकड़ो उसको और तेजी से, जकड़ लो उसको अंदर से, मुंगल होगा मारने का, जकड़ो उसको और तेजी से जकड़ो, चलो महाराज का तेरा नाम बोल, क्या है तो तेरे मालिक का नाम बोल, जकड़ो उसको और तेज जकड़ो उसको, धूल चटाओ उसको, नालायक को खबीस को, मस्ती चढ़ी उसको, बच्चों को मार रहा लोगों के कमी ना, चटाओ उसको धूल, बताओ उसको, मारो उसको अंदर से, जकड़ लो तेजी से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जकड़ो उसको अंदर से और तेजी से मारो उसको, और तेजी से जकड़ो उसके पेट में से उसको, जकड़ो तेजी से, लगाओ उसके अंदर आग, जकड़ो तेजी से उसको, सही सही बताओ महाराज क्या करता हूँ कब्रस्तान में, हाँ शमशान में रहता हूँ, कब्रस्तान में रहता तेरा मालिक, हैदराबाद को, हैदराबाद को रहता, वहाँ क्या करने को आया था उन्हें, बच्चे के आंग में डालने को आया था, कौन से बच्चे के आंग में डालने आया था उन्हें, ये बच्चे के, और वो दूसरे बच्चे के, और दूसरे कौन कौन, क्या नाम है उनके, सुफियान और अरफात, सुफियान और अरफात, उनको तो एक साल पहले मार दिया बोल रहा ना तू, फांसी दे के मारा उनको, तूने से मारा कमीने अंदर जाके, इसको मार देने वाला था, बोल जल्दी ना तेरी जबान खींच दूंगा बाहर, कमीने छोटे बच्चों को भी नहीं बाखा शरीर तुम,
सारे इसको बन जकड़ो उसको और तेजी जकड़ो उसको छोड़ना नहीं उसको। अब उसके अंदर से अंगार लगाओ आग लगाओ उसके अंदर से जकड़ो उसको तेजी से लगाओ उसके अंदर आग लगाओ तेजी से लगाओ खिलाया था और कौन कैमे मिला खिलाया था सही सही बोल बिरयानी में और ये बच्चे के खाने तक उन्हें पहुंचा कैसा उन्हें खुद ला के दिया बच्चे को खाने को के फिर बच्चा जहाँ खा रहा था वहाँ जाके कैसा का डाला उन्हें वहाँ डाला जाके क्या भेज बदल के रह रहा उन्हें सही बोल बोल सही बोल कहाँ पे हैदराबाद से और तू उसका सुन सुन के आके लोगों को मार रहा डाल रहा हूँ सबके पेटों में और तू ले जा ले जाके मार के उसको दे रहा लोगों को भाप कर रहा चल रहा रे बारे वाह मन माना तुम्हारे जकड़ लो उसको और तेजी जकड़ो उसको छोड़ने का घूमने दिया नहीं तेजी जकड़ो उसको डाल दो संजीरा माओ संजीरा डालो उसको तेजी से कितने बच्चे मारा अभी तक सही से बोल कितने मारा कितने खाली दो मारा सही बोल कर रहे क्या थे भी तुम मार के तुम अब इतनी कच मस्तियाँ चढ़ गए समझ नहीं आ रहा मेरे को तो टुकड़े करा देने का सोच रहा हूँ मैं तुम वाटर में डाल के जमीन में गाड़ देता हूँ मेरे कमी नहीं हुई क्या हुक्म दे रहा था मुझे और क्या हुक्म दे के भेजा क्यों मारो वो वजह क्या थी वो वजह मेन वजह किस चीज की कब्रिस्तान में आता उसके बाप ने लड़ा था कि बच्चे ने लड़ा था उसको क्या हुआ था ऐसा ये बच्चा कब्रिस्तान में आता था हाँ क्या बस आता हाँ ये धारा वो खाता था हाँ जिन्होंने बच्चा कैसे बोलते हैं और असल वजह बता मुझे तेरी जबान खींच दूंगा जकड़ो जरा उसको तेजी जकड़ो लाओ उस पर जंजीरा तेजी डालो लगा तेरी कितनी ताकत है पूरी लगा जल्दी लगा पूरी ताकत लगा के बता जोर से और जोर से कितनी ताकत है तेरी पूरी बता जल्दी लगा पूरी ताकत लगा और जोर से लगा जकड़ के रखो तेजी जकड़ के रखो अभी छोड़ने का हुक्म नहीं दिया मैं उसको मारते रहो अंदर से कमजोर बनाओ उसको आ गया उसको बकर बात करके पानी पिलाओ दम करा के लेकिन बस जलाओ उसे पेट में से आग लगाओ तेजी जकड़ लो उसका अंदर से तेजी जकड़ो बस जलाओ उसे पेट में से और तेजी से आग लगाओ तो घर पे क्या कर रहा था मैं घर पे आग प्यारा था बच्चे के हाँ घर पे गुस्सा था क्यों क्या हो रहा था आंखें फिर आग रहा था चिर कर रहा था काले दीदे कौन डाला था ऊपर
जोर से बोल। तू निदालो से पेट में चमक कौन निकाल रहा था? क्या कर रहा था तू उसके पेट में? क्यों? बच्चे मारने का था। ये कुकर तू भसम डालू जमीन में गाड़ू तेरे को ना लाया। क्या करो? आजाद करो लोगों की जाना लेने के वास्ते और बच्चों के दूसरे। मकसद क्या है तेरा? आधा अधूरा समझ में आया मेरे को। क्यों मार रहे लोगों के बच्चों को? क्या मैटर चल रहा है ये? और महाराज का क्यों छुपा रहा तू एड्रेस कमीने? मालिक की वफादारी कर रहा? बता उसकी पूरी दास्तान मुझे सही सही। बोल उसका नाम क्या है तो? राजा। जोर से बोल। राजा। जोर से। राजा। राजा कहाँ रहता हूँ? राजा हैदराबाद। हैदराबाद में? और बच्चे को कहाँ डाला उन्हें दवा के? अष्टी आया था उन्हें क्या? दूसरे के हाथ से बेच के दिया था? आया था। कितनी उम्र है उसकी? 25 साल का है। कैसे कपड़े पहनता उन्हें? काले कपड़े पहनता। वो कौन है हरामी? वो नजर रखो अपने अपने बच्चों के ऊपर। देखो उसके आंग में छोड़ दिए शैतान। अब उसको पूनम के दिन ले जाने वाला था बोलते, ले जाने के बाद मारने वाले थे। इससे पहले भी दो बच्चों का क्या करे उन्होंने? अब उसकी जुबान ही सुनो शैतान की। और बच्चों को अपने घर से बाहर भेज रहे तो दुआ पढ़ा के भेजो और बच्चों को ताकीद करो। कोई भी कुछ खिलाया तो खाओ मत बोलना। कोई चॉकलेट दे रहा है, टॉफी दे रहा है, या कुछ खाना दे रहा है, या कुछ भी दे रहा है तो नहीं खिलाना। अब नए हथकंडे निकाले हराम खोरों ने। अब बच्चों के आंगों में शैतान छोड़ के शैतानों के जरिए से बच्चों को वहाँ बुला रहे। क्या करना रे तेरे साथ सुलूक? बोला अब कितने बच्चों को ले जाके दिया तू? सही बोल। दो दिया। क्या है वो राजा का एड्रेस बोल सही सही। कहाँ रहता उन्हें? सही बोल। हैदराबाद में कौन से एरिया में रहता वो? खाली तू उसके हुक्म की तामील कर रहा और एड्रेस का समझ मालूम? देखो एरिया बोल जल्दी में कौन सा था वो? तो अच्छा वो एरिया कहाँ कहाँ पकड़ता था मैं पूछा? बोल तुझे सब मालूम है। तुझे छुपा ही आना तो तेरी जबान खींच के काटने का हुक्म दे दूंगा। अच्छा और उन्हें मकतब तक कैसा पहुंचा? उन्हें खाने में मिला कैसा खिलाया बच्चे को? सही बोल। सही बोल। कौन मिले आला था उससे? सही बोल। महाराज से। और कौन मिले आला था अष्टी का? उसका भी नाम बोल। सही बोल। झगड़ कर दे उसको, तेरे पूरे टुकड़े कर दूं। दे दो हुकुम जंजीरा डाल के खत्म करने का। जगह कैसी ताकत अल्लाह कलाम किया? क्या समझे तो तुमने बनमुट्टी में ऐसा खेल चलेंगे? हम लोगों की जाना लेंगे कमीनों। हाँ जाओ। वो कौन सा राजा है? जाओ उसकी पूरी सिद्धि भस्म कर दो। उसका आधा आड़ंग गिरा दो। हुकुम है मेरा, गिरा दो उसके हाथ पहुंचा के आधा आड़ंग गिरा दो उसको। फालिश मारा हो कमीने को, बताओ उसको दुनिया में मनमाना करने का सजा। और उसके सारे शैतानों को जकड़ लो। जाओ हुकुम की तामील करो और इसको मार करो नाला है। इसको चिंदी करो मार मार के अंदर से। मारो उसको और मारो उसको नाला है अंदर से। चिंदी करो उसको मार मार के। जलाओ उसको अंदर, तेज आग लगाओ उसके अंदर। एक बार बताओ राजा की और इसके माँ की बाप की क्या दुश्मनी थी? दुश्मनी थी। खबरस्तान में कौन राजा से उसकी मुलाकात हुई? हैदराबाद का था। कहाँ के खबरस्तान में हुई थी उसकी मुलाकात? परभनी अस्टी के। अस्टी में क्या हुआ फिर? अस्टी में लाके शैतान छोड़ा। परभनी में छोकरी की उसकी मुलाकात हुई थी। ऐसा कैसा बच्चों को तुम ऐसा छोड़ दे रहे हो गंडों पे छोड़े? वैसा
ख्याल रखना ना जरा, आगे पीछे देखना ना, कहाँ जा रहे, क्या है छोकरे। तो अगर हम साथ में जाते हैं वहाँ पे तो साथ में जाते हो कब्रिस्तान गली में, मैं तो आते साथ। बता रहे कब मिला था उसको राजा छोकरा, पूनम के दिन? कितने टाइम होगा मिलके, कितने महीने हो रहे? छह महीने हो रहे। छह महीने पहले याद करो, छोटे भाई का बच्चा है ये, रमजान को जाते हैं, बकरीद को जाते हैं, छह महीने पहले वो छुपरा उसको राजा छुपरा गए होंगे। छह महीने छोकरे पहले मिलने वाले, फिर हस्ती में जाके उसको बिरयानी में खिला दिया, मिला के शैतान उसके आँख में छोड़ दिया। और ये शैतान कमीन का पिल्ला उसकी पूनम को जाकर उसके बाद छोड़ा होता है। हम रमजान गए ना एक वहाँ पे कब्रिस्तान में, पूरे झाड़ा ये उखाड़े थे, खबर के ऊपर बहन की खबर। जकड़ के रखो उसको, तेजी से जकड़ो उसको, छोड़ना नहीं उसको, और तेजी से कसो उस पे लगाओ, मत डालो जंजीरा उसको तेजी से। छूने उसके कंबर में लगी चमका निकाल रहा था, जरा चुबाओ उसको, गर्म करके लाके सुई चुबाओ उसको, आर पार निकालो उसके सुई चुबा के गर्म करके लाके डालने लगा हूँ जंजीरा और तेजी से। हाँ सुन के तो मेरा ऐसा होगा मामला, या ऐसी भी दास्तान चल रही है भी, क्या 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 दास्तान है क्या नहीं। और उसके आंग में आ वाला है भी पिशाच, वो पिशाच को कोई तो भी हैदराबाद के फोटे ने उसके आंग में छोड़ा बोलते, परवनी तक आया था, उससे दोस्ताना करा। हो सकता कुछ साजिश चल रही होंगी कि तुम्हारे बच्चों के साथ में, क्या बोलते, तो कोई लोग आ रहे, कौन खेल रहा है, कौन मिल रहा, बच्चों से दोस्ताना कर रहे होंगे और बाद में धीरे धीरे उनको लेके चले जा रहे, क्या क्या मेट रहा है, जरा बच्चों पर ध्यान रखते जाना, कहाँ जा रहे बच्चे, ऐसा कैसा तुम मौका छोड़ दे रहे उनको। और बच्चों को मार के, छड़ियों से मार के दुआ पढ़ना सिखाओ, घर से बाहर निकलते वक्त तो दुआ पढ़ के निकलते जाना, उनको अभी से आदत लगाओ। वैसे आदत लग जाएगी तो अल्लाह के अमान में रहेंगे वो, महफूज रहेंगे, नहीं तो दुनिया में कैसे कैसे शातिर लोग हैं और क्या क्या खेला कर रहे, सोच भी नहीं सकते। अभी इतनी भयानक दास्तान सामने, सोच भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, उस बारे में क्या बयान करूँ मैं। कमीने नालायक लोग हैं, पैसे के वास्ते कुछ भी कर रहे, बोलने को अल्फाज भी नहीं बच रहे मेरे पास, अब क्या बोलना, मैं खुद सुन के सब दम परेशान हूँ। हो सकता है कोई साजिश चल रही है कि तुम्हारे बच्चों के साथ कोई आ रहे, दूसरे लोगों के बच्चे दोस्ताना बना के खेल रहे और बाद में उनको लेके चले जा रहे, कुछ तो भी दवा डाल के, कुछ तो भी बड़ी साजिश है ये। कमीना शैतान, आधे बाता खोला, आधे बाता के राज नहीं खोलूंगा, बोल रहा हूँ पूरा बता रहे सही सही। उनके घर पे उस पर दादा गिरा कर रहा था, उनके घर में पूरे आके फिरा दे रहा था, दीदी कर रहा था, क्या कर रहा था, दवाखानों को लेके भागे, उन्होंने बुखार यहाँ लाई, यहाँ पकड़ में आ गया, उन्हें पकड़ में आया, बोल के पता चला कि छः महीने पहले कोई छोकरा उसको मिला था, फिर वो छोकरे ने ले गया, फिर ले जाके पूनम के टाइम पे दवा डाला, आने वाली पूनम में उसको मारने वाले थे ले जाके। क्या क्या हिस्ट्रियाँ चल रही, क्या दास्तान चल रही, अल्लाह आलम। जकड़ो उसको और तेजी, जकड़ो उसको, इस वास्ते बच्चों को घर से बाहर जाते वक्त की दुआ पढ़ा के भेजना, ऐसा आदत लगाना, पांच टाइम की नमाज पढ़ने की, दुआ पढ़ने की, सब बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इतना पढ़ के अगर से निकल गए तो अल्लाह तुम्हारी भी हिफाजत करता, तुम्हारे घर की भी हिफाजत करता, सबकी हिफाजत करता। रिटर्न आए तक तुम्हारा कोई दुनिया की ताकत ना दूसरी दुनिया की ताकत, कोई दुनिया वाले दोनों जहानों की ताकत में से कोई ऐसी ताकत नहीं जो तुम्हारा सहमत पहुँचा सके, क्योंकि हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने लिया। दुआ पढ़ने के बाद दुआएं पढ़ो, बच्चों को सिखाओ, बहुत गलत बात है, सुन के मैं खुद परेशान कंफ्यूज होगा, क्या दास्तान चल रही थी छोटे छोटे बच्चों के आंगों में, कैसी साजिश चल रही और क्या मेट रहा है ये, देखो बच्चों को खिला के उनके आंगों में शैताना छोड़ के शैतानों के जरिए उनको बुला के दे रहे हैं। सही से बता रहे सारी दास्तान, सही बता कि पूनम को कहाँ ले जाके मारने वाला था, छोकरे को कहाँ ले जाने वाला था, हैदराबाद को ले जाने वाला था, उसको कैसा ले जाने वाला था, अच्छा हैदराबाद को ले जाके उधर उसका करने वाला था, पूरा आलम खराब जान का, उसके बाप का राज चल रहा तेरी कमी ने, क्या करना तेरे साथ सुलूक, बोल अब क्या करना, बोल सुने नहीं आ रहा मुझे, आजाद कर देना तेरे जैसे हरामी शैतान को, लोगों को बच्चों को नहीं बख्श रहे तुम तो, हाँ देखो कुछ आ रहे थे मैसेज यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर, पुलिस भी बता रही थी, सब बता रहे थे, मगर वो एक बार मेरी भी नजर के सामने से गुजरा यूट्यूब पे, वो मैं उतना केयर नहीं करा,
आज बात सामने आ गई कि उन्होंने इतनी बड़ी साजिश के थ्रो काम कर रहे कि तुम्हारे बच्चों के साथ में दूसरे उन्होंने आके उनके बच्चे दोस्ता बन रहे और बाद में बच्चों को मिला के खिला दे रहे और बाद में वो शैतान वो बच्चों को घर से निकाल रहा, पुन्नम को अम्मा उसको हुक्म दे रहे उनको निकालो और उसके बाद वो ले जाके बच्चों के साथ में कुछ भी कर रहे, क्या आलम कर रहे, अब क्या बोलना बयान नहीं कर सकते। क्या कर रहे थे बच्चों को ले जाके? हाँ मारने वाला था, कहाँ ले जाके मारने वाला था, कौन से एरिया में? हैदराबाद में। हैदराबाद में कहाँ पे? वो शैतान पकड़ते। कौन सा एरिया है वो? वो शैतान पकड़ते वहाँ पे महाराज की गली में। तो महाराज की गली में और तू भी वहाँ से चाया? हाँ तो वहाँ से लाके यहाँ खिलाया उन्होंने। बोल जल्दी। इसके साथ में कौन खेलते हैं बच्चों के दूसरे? मदर सिंह थे। छह महीने से इसके दोस्ता कौन है पीछे? छह महीने से गली के बच्चे, गली के बच्चों को सबको लेके आओ कल, मैं तो अभी थोड़ी देर पहले। अब लेके आने के बाद में पूछो उसका कौन है जो हैदराबाद से काले कपड़ों में छोकरा आया था, जो इससे दोस्ता ना करा कब्रस्तान के अंदर, जिसका नाम राजा है, वो छोकरे ने वहाँ से लाया था राखा पढ़ के, वो इसको खिला दिया उन्होंने और वो पूनम के दिन इसको घर से खींच के निकाल के लेके चले जाने वाले थे। इसके अंदर का शैतान इसको खुद लेके जाता था जो टारगेट पे, उन्होंने बोले टारगेट पे, वहाँ से वहाँ फिर जाके काम करते थे। गली में तो पूरे मुस्लिम के बच्चे, एक ही बच्चा हिंदू का है। वो नहीं बोला मैं तुम्हारा, मुस्लिम के बच्चों को लाओ और इसको होश आने के बाद में इसको भी पूछेंगे कि इसका कोई दोस्त था क्या राजा नाम का, इन्हें नहीं बोला था, इसके दोस्ता बोलेंगे कि हाँ एक फला फला मिला था वहाँ पे, क्या दास्तान थी पूरी निकाल के देंगे सर, कोई मिला था क्या कब्रस्तान में उनको कहीं, क्या दास्तान बोला था, क्या था मेटर समझना। जकड़ो इसको तेजी, जकड़ो उसको अंदर से, जकड़ लो उसको तेजी से। गली के लाओ, गली के पकड़ के क्या करना तेरे साथ, सुनो भसम करा देंगे, भसम करने की तैयारी करो, जकड़ के रखो उसको, जकड़ लो उसको और तेज जकड़ो। बोल भेजेंगे दोबारा कोई बच्चे को? जोर से बोल, जैसा बैठा ना घुस के कमी है कभी इसकी औलाद, बहुत जोर से बोल। इंसानों की दुनिया में मन माना कर रहे रे, हाँ उन्हें काम लगा रहा थी कौन, तू लोगों के बच्चे ले जाता रे है, नहीं मैं बैठा वाला दिख रहा नहीं देखो घर आम के, झगड़ो तू तेजी से कमीने को अंदर से आओ। चल बोल कुछ पूछाने का, और पूछाने का पूछो। मैं आपके साथ तुम लोग कुछ छुपा रहे क्या मेरे से? नहीं नहीं कुछ भी नहीं छुपा, कुछ भी नहीं छुपा। राजा नाम का छोकरा है, राजा बोला काले कपड़े पहन के आता हूँ हैदराबाद से, समझ गया मैं काले कपड़े बोल तो स्वामी कमीना, उन्होंने नया धंधा निकाले दिखता बच्चों को खिला के, उनके आंगों में शैतान छोड़ के बच्चों को खींच के ले रहे दिखता। आठ दिन से हम दवा खाने, सही बोल रहे हैं, बलि तो नहीं दे रहे थे उसकी, सही बता, सही बोल कमीने, सही बोल, सही बता, सही सही बोल, कहीं क्या वास्ते दे रहा था उन्हें वो बच्चे को आना था, वजह दुश्मनी की, कहीं की दुश्मनी है जी, हाँ बताओ दुश्मनी के पत्ते क्यों नहीं खुल रहे हो, बोल जल्दी। खबरस्तान में आने से कोई दुश्मन नहीं होती ना, कौन सा अमल सिख रहा था उन्हें जो बच्चे को ले जाके वहाँ से करने वाला था उन्हें, तो जंजीरा डाल के पकड़ लो उसको कमीने को। छह महीने पहले कौन से पुट्टे ने उससे मिला हैदराबाद जाके, स्वामी ने उसको खिला के करके उसको मदरसे तक पहुंचा, उन्हें मदरसे तक खिला के करके पूनम को मारने आ रहे थे करके, उसके आंग में आला है, पकड़े ना शैतान को, बोल रहा हूँ जकड़ो उसको तेजी से कमीने को।
जकड़ो उसको और तेजी से जकड़ो उसको और तेजी से आग लगाओ उसके अंदर। फेस पे लागी पावर तुम जकड़ लो उसको और तेजी जलाओ उसके अंदर आग लगाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जलाओ उसको अंदर से। खुल हिया लगी अंदर उसको मना फुर्मिन अजिन फोकोल विन्ना समीन कुरान नजब यहदी الرشد فعمنا به ولن نشرك ربنا احد وان تعالى جد ربنا ما تخبطهم ولا ولد وانه كان يقول صفيهنا لله شيخ الدور عنا ظن ان لن تقول الانس والجن على الله الكذب وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فضادهم روحك برجال من الجن فضادهم روحك وانهم زم كما ظننتم على الله يمس الله واحد على الله يمس الله واحد وان لمتنا السماء فوحد نمول يا طرق شديدا شديدا وشحر ان كنا ناخذ من حما خاد للسميع فما يطم الان يزيد الله شعبا رصد وانا لا ندري اشعر مرضى من في الارض ام ارض من ربهم رشد ام ارض من ربهم رشد وانا من صالح ومن نبتون صالح من دقي ذلك وعنا ظن ان نوت الله في الارض ونرمي وعنا لما سميع الله عملنا به من رب فلا غضب ثم الله روح من منه المسلم القاصف وان والله استقام على الطريق الى اسقي وما نغدق نقتل فيه وما يرد ان ذكر رب لهم سبعين وما يرد وما يرد ان ذكر رب لهم سعد وان المسجد الله فلا دم الله احدا ومن يرد ان ذكر رب يسلك ومن يرد ان ذكر رب يسلك من بين يده ومن خلفه والله استقام على الطريقة لا أسقي وما نغدق نقتل فيه ومن يرز أن ذكر ربي يسلك من سعد ومن يرز أن ذكر ربه يسلك من بين يسلكه عذابا سعدا وأما المسجد الله فلا إله إلا الله أحد وأن الله مقام عبد الله يتوكل يكونون عليه جبال قل إنا مال ربي ولا أشرك بهذا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجرن الله يعد ولا ند من دون الله مطاح إلا بلغ من الله ورسالة مثل الله رسله وإن الله نار جهنم خالدين فيها قد أحاط إذا وعد نفسي يا لمن من الذكر نصر خل وأداد خل إن ذي أقرب ما تودنا من يجعل الله ربي أمد عليم الغيب فلا يهدر الغيب أحد إلا من تظن الرسول وإنه يسلك من بين الغم خطب مرصد لي يا لمن قد أبلغ رسالة ربهم واحدة في ولد ناس كل شيء أداد जलाओ उसको तेजी से जलाओ उसको जरा भी मत छोड़ो उसके टुकड़े करो उसके तेजी से करो उसके टुकड़े जलाओ उसको तेजी से जलाओ बता दादे को बच्चों को नहीं मारे कितने मारे अभी तक सही से बोल जोर से बोल दो बच्चों को दो को मारे क्या नाम थे उनके सुप्रिया और अरफात कहाँ रहते थे वो बम्बई को कहाँ ले जाके मारे हूँ हैदराबाद को कहाँ से लिख गए थे उनको बम्बई से लिख गए थे कौन लिखा था तूने लिखा था जादूगर महाराज ने तू भी था उसके साथ में कैसा लिख गए थे उनको ले जाने का तरीका गाड़ी में गाड़ी तक बुला के लिया था क्या उन्होंने पढ़े से चॉकलेट में मिला खिलाए थे और कितना टाइम हो रहा है तुम्हारे जोर से बोल एक साल पहले किस कुमार के कौन था वो लगा कितनी ताकत है तेरी पूरी लगा अरे लोगों के बच्चे इतनी जाने आ रहे थे को बाप का राज चल रहा लगा पूरी ताकत जोर से कितनी है तेरी पूरी लगा के बता सबको ताकत जोर से सामने से फेस कॉल लगा पूरी ताकत कितने तेरी तो जोर से और जोर से लगा पूरी ताकत लगा और जोर से लगा बता शैतान है बोलके तू बता कितनी ताकत दी सबको बता जोर से और जोर से बता बता पूरी ताकत बता बता पूरी ताकत बता तेरी कितनी है तो और लगा जोर से शैतान है ना तू बता तेरी जोर से लगा पूरी ताकत
लगा और जोर से, और जोर से। इतनी से तेरे पास ताकत कमी ने? हाँ बताओ, जादूगर कहाँ रहता बता? हैदराबाद। क्या नाम है इसका, जोर से बोले एक बार। राजा। राजा क्या कर रहा हूँ, तू कहाँ से पकड़ा? दरगाह में से पकड़ा। अच्छा सही बोल। दरगाह में से पकड़ा, उधर से लाया था। तो बच्चे को ले जाके मार रहा उसका सुन के कमीने, तेरे दांता तोड़ने लगा तू अभी, बहुत खोना पी रहा तो लोगों के अंदर बैठ के। तोड़ू दांता बाहर तेरे निकाल के, लगाऊ जकड़ने दांतों को तेरे अभी। चलो इसको बंदी बना के रखो, इसको आजाद मत होने दो, इसको ले जाओ बाहर, और इसको बाहर ले जाके कैद खाने में रखो, कैद करके रख लो उसको, उसके जितने भी शैतान आ रहे सबको कैद करो, और जाओ वो राजा कौन है हैदराबाद में, कौन राजा स्वामी, उसको जाके कमीने को धूल चटाओ, उसको बताओ उसको क्या ताकत अल्लाह कलाम की, तो उसका अड़ंग गिरा दो, उसका नाला है कादा। जाओ इसको पकड़ के बाहर, इसको कैद कर दो, इसको बाहर ले जाके शैतान को छोड़ेंगे कैसा तीकू, तो और लोगों को परेशान करो तो। हाँ ले जाओ उसको पकड़ के बाहर, गुलाम बना लो इसको, नाला को गुलाम बना लो इसको। कौन था तू, मुसलमान जिन्नात था कभी था? कभी था। चलो मुस्लिम जिन्नात बनना, तो पढ़ा मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, बोल बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم। आज से मैं पुराने जादूगर के ताबे से आजाद हूँ, आज से मैं पुराने जादूगर के ताबे से आजाद हूँ, आज से मैं सैयद टीपू सुल्तान का गुलाम हूँ, उन्हें जो भी हुक्म देंगे मैं उसकी तामील करूँगा, ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है। तेरा नाम क्या था? हाँ भीम था, अब तेरा नया नाम रखेंगे हम, एक नाम बोल रही सोहेल, तेरा नाम आज से सोहेल जिन्ना, क्या है सोहेल, कोई इंसान को परेशान नहीं करना दोबारा, अब तेरे एक हुकुम है सोहेल, क्या नाम है तेरा आज से, क्या नाम है, क्या नाम है, किसका गुलाम है, कितनी उम्र थी तेरी? 25 साल थी, 25 साल में मर गया था। चल ठीक है, अब जाना और एक काम करना, जो जादूगर है अभी तेरे साथ में पहुंच जाएंगी, जितने भी आएंगे तेरे साथ में उनको लेकर जाना, और ले जाके उस जादूगर का घर बताना कहाँ है, तो और वो सब मिलके उसे घर पे हमला कर देंगे, और तू भी उनके साथ मिलके हमला करना उसके घर पे, समझ गा? उसको दुनिया में जिंदा रहने के इख्तियार नहीं है, वैसे इंसान को लिड़ा लिड़ा के उसको सड़ा सड़ा के मारेंगे उसको, ये सब जाके भी उसका घर बताना जाके सबको कहा है, तो मुझे तो सब मालूम है ना,
जहाँ इनके साथ में जाओ, इसको भी जाओ और उसका घर देखो और उसको खत्म करो। जब भी मैं सोहेल हाजिर हो बोला तो हाजिर होना, जो भी हुक्म दिए उसकी तामील करना। वो बच्चे को वहां से, ये बच्चे को छोड़ के चले जाना और ये सब लोगों को ले जाके उसका घर बताना वहां पे कहाँ है, तो जादूगर का मट वट जो भी है, तो और जितने भी जादूगर हो तुम खत्म करो कमीन हो जाके। जाओ जा, तू गुलाम मेरा, छोड़ो बच्चे को, छोड़ जा बाहर खड़े आलिम के साथ में जा। जाओ इंसानियत को जुल्म दे रहे हो, छोटे छोटे बच्चों को भी जुल्म दे के खत्म कर दे रहे जान से। जाओ उसको खत्म कर दो कमीने के हाथों को मांग रहा है। जा रहे हम घर बता या भाई हाथ में तरा जा सोहेल, सबके साथ मिलके जा, जाओ जाओ और जाके उनको सजा दो, उनको छोटे छोटे बच्चों की वजह से हो, तुरंत जाओ सजा दो उनको, बहुत बुरी कमीनों को, सारा मठ बर्बाद कर दो उनका। क्या नाम है छोटे का? कितनी उम्र है उसकी? जोर से बोलो। 11 साल। ए अतीफ, अरे अतीफ, अरे क्या होगा बच्चे को? ओ इधर देख, ओ क्या हुआ, नींद लग गई थी क्या? हाँ ये कौन है, ये कौन है, जोर से बोल, जोर से। वो कौन पीछे पड़े, ये कौन है, वो कौन है? ना यहाँ का होश पूरा, बाहर खड़ा है जनता को कुछ याद है कि मेरे साथ सवाल जवाब बुला दे, जोर से कैमरा नजीक ला रहे, घुमा के लेना नजीक का कहीं, सवाल जवाब बुला दे। कुछ याद है क्या? कुछ भी याद नहीं, मेरे साथ में भी चला आधा एक घंटा, तो कुछ भी याद नहीं। अच्छा तो खबरस्तान में जाता था क्या झाड़ा उखाड़ने को? वहाँ तक कोई दोस्त मिला था क्या खबरस्तान में काले कपड़ों में? क्या नाम था उसका? और कहाँ कहाँ मिला था? सब कुछ बोल रहा था कि मेरे साथ चलो या चलो, क्या बोला था? और क्या बोला, और क्या बोला? अच्छा ऐसा बोला था, देखिए कहाँ ले जाना था, इसे बात हुई थी। कब मिला था, कितना टाइम हो गया तुम मिले? 6 महीने, 6 महीने हो गए। अच्छा तो अभी कुछ याद है क्या? मेरे साथ सवाल जो आप चल रहे थे तो कुछ भी याद है? कितना याद है? मैं कुछ पूछ रहा था, कुछ याद है क्या? कुछ भी नहीं, छोड़ा था मैंने शैतान। ये छोकरे को उन्हें खबरस्तान में मिला और सन्नाटे में देख के उन्होंने इसको बाधाओं घर के बाद में खिला के अस्थी तक पहुँचा, उन्होंने बाद में उसको पता चला तो वहाँ तक खिला के करके पता था कि जाके बलिया देखे सारे जादू आंटों ने सिकरे हराम फौरन की माँ की उनकी उनकी नस्ल खत्म हो, और दूसरी बात मासूम बच्चों को रहने नहीं कर रहे, और क्या क्या कर रहा था कि बजाय देखिए पिटना भी दे रहा था करते पौड़ी में बड़े वाले। देखो सब लोगों को एक ही ताकीद करूंगा मैं कि अपने बच्चों का ख्याल रखो, फी अमान अल्लाह, सबसे बड़ी सिक्योरिटी सबसे बड़ी जात हिफाजत करने आई अल्लाह की है, इबादत करो नमाज पढ़ो 5 टाइम की, और बच्चों को घर से बाहर निकलते हो दुआ पढ़ा के निकालो, तुम्हारे बच्चों को गाने याद हो जा रहे, टिकटॉक पे बच्चों को नचा रहे, फेसबुकों पे नचा रहे, व्हाट्सएप पे उस पे सब गाने याद करा रहे, पूरी दुनिया की हिस्ट्री याद करा दे रहे, मगर क्या बोलते हो तुमको शर्म आना, दुआएं हथियार है मोमिन के हाथ, अल्लाह रखे आला, दुआ पढ़े बगैर घर से बाहर बच्चे को निकलना नहीं, ऐसी आदत डालना, तुम अगर दुआ पढ़ के तुम्हारा बच्चा निकलेगा या तुम भी निकलेंगे कोई भी घर का इंसान निकलेगा, तुम्हारा को हर हादसों से हर आफतों से हर ऐसी आने वाली आफत से अल्लाह बचा लेता ना, कुछ भी नहीं होता। बाद में तुम झुलस जाने के बाद उसके अंदर बाद में कितना भी इबादत करेंगे तो फिर क्या मतलब था, पहले इबादत करो, बाद में तुम्हारा को शैतान इबादत नहीं करने देते। और बच्चों का खास करके अपने ख्याल रखो, किससे मिल रहे उन्हों, कौन उनका दोस्त है वो भी सब, और बच्चों को खुद ताकीद करो कि कोई भी नया इंसान नया दोस्त कुछ भी मिला तो उसे बात नहीं करना, दोस्ताना नहीं करना,
पहले बोलना हमारे घर को चल, हमारे अम्मा अब्बा से बात कर, उसके बाद हम तेरे से दोस्त आना करेंगे, नहीं तो नहीं करते। और दूसरी एक बात सबसे अहम, बच्चों को ये भी बोलो कि कोई कुछ दे रहा तो बिल्कुल मत खाओ। अब नया तरीका निकाले लोगों ने, कब जादुआ टोनों से क्या बोलते तो बच्चों को खींचते हुए ले जा रहे। अब सुनो उसके चांग में आया शैतान, उसने बोला सब बात, अब निकल गया शैतान, तो कुछ याद भी नहीं मेरे साथ कितने बात कराऊंगा। तो अब यहाँ सब सुन रहे थे लोग खड़े थे, और उसके घर पे आ गया था, उसके आंग में तो आके फिरा रहा था, क्या क्या तमाशे कर रहा था वो सब। खैर अब अल्लाह के कुछ तरीका उस तरीके से हमारा वो करा, वो सब बैठा हुआ था, उसको नमाज वमाज इबादत हो सकता है पांच टाइम की। और इसकी ताकीद करूंगा मैं कि बहुत बड़ा साजिश चल रही, तो वाकई में मैंने सुना था टीवी के ऊपर, वो किसको रास्ता देखा था, टीवी तो देखने का टाइम ही नहीं मेरा, वो व्हाट्सअप पे आई थी कुछ की कुछ लोग फिर रहे बच्चों के ऐसा कर रहे कि वाकई में बात सीध हो गई। उन्हें वैसा करने के बजाय उन्हें खिला के कर रहे, आंगों में डाल दे रहे शैतान, पूनम के दिन बोले तो शैतान बुला लेना, उन्हें फला फला टारगेट पे पहुंचाता था, उन्हें वहां से आके निकल जाते थे उनका काम। और उन्हें बता रहा भी दो बच्चों को बम्बई से करे थे, एक को तीन महीने पहले और एक को एक साल पहले, क्या क्या अभी रास्ता चॉकलेट देख लेते, उनके नाम आ गए उसमें रिकॉर्ड। वो खैर देखो अब अल्लाह के करम से जो है, तो ख्याल रखो सब लोगों का, इबादत करो ज्यादा से ज्यादा, इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो, इबादत की रस्सी को थामने वालों को अल्लाह क्या बोलते तो खुद दुनिया में सहमत नहीं होता, क्योंकि दुनिया ना शैतान के बाप की है ना दुनिया जादूगरों के बाप की है, दुनिया अल्लाह की है, सब अल्लाह का हुक्म चलता था, तो हमेशा तो आसमान में तुम अगर इबादत नहीं करेंगे तो फिर अल्लाह की नजर करम कैसे लेंगे तुम्हारे ऊपर। तुम इबादत की रस्सी को मजबूती से थामेंगे तो तुम्हारे नजर करम, ये लोग दवा खाने में लेके फिर काले कर तुम जोर से बोलो दवा खाने को, उधर देख के बोलो सबको सुनने वाला तुम। अच्छा कहाँ से आए तुम दवा? अच्छा बाजू के चेहरे से। कितने दिन था वो दवा खाने? अब वो कैसा पहुंचा उन्हें, क्या षड्यंत्र रच के पहुंचा, उसके मदरसे तक पहुंच के, उसके मदरसे में मिला के खिलाया उन्हें, अंदर का जिन्नात बोल रहा हो क्या बोलना, सुन के परेशान हो गया हमें दास्तान। मौलाना लोगों को भी जरी शर्म आना, जरी ऐसा कैसा मकतब तक किसको भी आन दे रहे, ऐसा कैसा घर नौकरी दे दे रहे डायरेक्ट अंदर, देखो करो सही तरीके से कौन क्या साजिश होकर पलाना चल रहे। तो तुम्हारे बाबरची खानों तक मकतब तक कैसा पहुंचता कोई, भेष बदल के ख्याल रखो जरा, अनजान आदमी को काम नहीं देना हो। अब नया तीरा निकाले दिखता है लोगों ने, अंदर छोड़ के रखा जादू टोनों से शैतानों को छोड़ के खींचने लगा रहे उन्हें, वो तो जादूगर बसता है उसको तो धूल चटेंगे उसको भी जाके सब चीजा गए वाले उसको तो, मगर दूसरों का और भी दूसरे बहुत सारे होंगे ना टीम आओगे वो सब करो फी अमान अल्लाह, अल्लाह के अमान में रहो बस, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। देखो तुम लोग अपने बच्चों का ख्याल रखो, मेरे साथ में तेरे सवाल जवाब चले, मैंने सवाल करा तुझे, कुछ याद है क्या? कुछ भी याद नहीं, कितना याद है तेरे को अंदर आया था तो जब यहाँ अंदर यहाँ आके बैठा था मेरे सामने उतना याद है क्या? उसके बाद का याद? चलो ठीक है, चक्कर में चक्कर मिला के पिलाओ, सुबह शाम दो टाइम उसका धुआं दो, दुआ का पानी ज्यादा से ज्यादा पिलाओ। और दूसरी बात क्या बोलते तो दुआएं वुआएं सब बच्चों को याद कराना, मार के छड़ियों से गाने याद हो रहे टिकटॉक के, फिर क्या क्या याद हो जा रहे करने आ रहे लोगों को, मोबाइल चलाने आ रहे, यूट्यूब आ रहे, दुआएं कैसे याद नहीं हो रहे? ए घर से बाहर निकलने की दुआ याद है क्या तुझे? घर को जाके याद करो पहले, जब भी घर से बाहर निकलने लगे दुआ पढ़ के निकलना। कौन से कब्रिस्तान में मिला था छोकराते को? कहाँ वाले कब्रिस्तान में? दो कब्रिस्तान है, कौन सा कब्रिस्तान है? कौन सा है वो? अखुन शाह बाबा का कब्रिस्तान के अंदर मिला था देखो। क्या है ऐसा कब्रिस्तान में, कैसा अंधेरे, किसको भी नजर रखना नजरा, कौन आ रहा, कौन क्या कर रहा, क्या कुटाने हो रहे, सब लोगों का काम है। कोई नया अनजान आदमी दिख रहा, गांव का आदमी नहीं है, अपने गांव के बाहर का है, तो उसको पूछना क्या कर रहा तू यहाँ। चार्जर नहीं भी रहा चलता, तो खाली माउस होना उसका। चलो ठीक है, कैसा लग रहा रे?
खड़े रहे उधर जा, कौमी मुंगिया वो कुछ आ रहे क्या? ले रहे प्राइस ऊपर साजिशें इतनी ज़्यादा हो रही है, इसी दास्तान चल रही है। अभी जो सामने आया मसला ये तो देख के मैं इसको परेशान हो गया कि ऐसे भी कर रहे हूँ काम कि गलत अमलियात सीख के हराम को आप बच्चों को ऐसा ला के बनिया देते रहे उनके फिट में आप उर्दू निकाल के विधान में सोच रहे दो दो टक्के के शैतानों को आम उन्हें छोड़ के। इस वास्ते कैसा है ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की रस्सी की मजबूती से काम हो और जो कर रहे जादू को ना चला रहे तो अरे कमीन हो तुम्हारों क्या दौलत के लिए खयामत तक बैठने आ रहे तुम क्या तुम्हारा मरने का नहीं है क्या तुम आपको ईश्वर को अल्लाह को बताने का नहीं है? हर धर्म में तो अच्छे बताए वाली है कि ये शैतान के पिल्ले कहाँ से पैदा हो जा रहे जो लोगों को क्या बोलते तो लोगों के बच्चे बच्चे नहीं है हम खुद के बच्चे बच्चे है वाह रे वाह खुद के बच्चों को भी बारे में सोचने का ना अल्लाह ने तुम्हारे भी पेट में दिया हुआ ना दूसरों के बच्चों को ले जाकर ऐसा करने से पहले नालायक हो सब कुछ शर्म आना क्या बोलना मेरे पास बोलने को भी अल्फाज नहीं बच रहे मेरे पास बोलने को भी कोई अल्फाज नहीं मेरे तुम्हारे बारे में क्या बोलना तुम्हारे एक ही सजा है तुम्हारे आसमानी मारो ना तुम्हारे सबको चलो।